हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। दोस्तों भारतीय टीम ने पहला वनडे मुकाबला में वेस्ट इंडीज पर शानदार जीत दर्ज की। अब दोस्तों भारतीय टीम का दूसरा वनडे मुकाबला जो कि 9 फरवरी को होने वाला है अहमदाबाद में, या दोस्तों यह भारतीय समय अनुसार 1:30 पर मुकाबला शुरू होगा। तो दोस्तों बता दें कि दूसरे वनडे में भारतीय टीम का प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस नजर आ सकता है, क्योंकि कई बड़े खिलाड़ी जो कि वापसी करने वाले हैं भारतीय टीम में। तो दोस्तों इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें दूसरा वनडे मुकाबला जो कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर भारतीय टीम दूसरा वनडे मुकाबला जीतती है तो दोस्तों भारतीय टीम वनडे मैचों का श्रृंखला भी जीत लेगी। जी हां दोस्तों, बता दें कि दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के वाइस कैप्टन केएल राहुल वापसी करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वजह से भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों बात करें भारतीय टीम का प्लेइंग 11 का, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा। रोहित शर्मा जो कि कप्तान है भारतीय टीम का, केएल राहुल जी को वाइस कैप्टन होंगे भारतीय टीम के, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल। जी हां दोस्तों, एक खिलाड़ी जो कि बाहर हो सकता है भारतीय टीम के प्लेइंग 11 से, वह है ईशान किशन। जी हां दोस्तों, ईशान किशन के जगह पर केएल राहुल को मौका मिलने वाला है दूसरा वनडे मुकाबला में। तो दोस्तों यह है भारतीय टीम का दूसरा वनडे मैच का प्लेइंग 11। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों ये खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।